नमस्कार साथियों, शारदावाल निकेतन के ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पूर्व में मैंने आप लोगों को बारहवीं कक्षा के कई सारे टॉपिक पढ़ाए और आप लोगों ने उसका लाभ भी लिया, लेकिन मेरा आप लोगों से निवेदन यही है कि आप जो भी वीडियो देखते हैं उसे पूरा देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि धैर्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आप लोग जैसा सोचते हैं कि 2 मिनट का वीडियो देख लिया, 3 मिनट का वीडियो देख लिया, इतना सा वीडियो देखने से आप विषय की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा मैं समझता हूं कि संभव नहीं है। क्योंकि हम लोग आज जिस दौर से गुजर रहे हैं उस दौर को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को ऑनलाइन ही स्टडी करनी है, ये हम समझते हैं। तो उस समय जो समय हमारा बीत रहा है उस समय को ध्यान में रखना होगा कि इस समय में हमें कम से कम इतनी सारी चीज़ें तो आनी ही चाहिए थी, लेकिन हम लोग अगर वो चीज़ें प्राप्त नहीं कर पाएंगे, एग्ज़ाम बाद में परिस्थितियां ठीक होगी तो एग्ज़ाम होंगे, और वह एग्ज़ाम्स जो होने वाले हैं वह एग्ज़ाम्स आप लोगों को इस समय की भरपाई करवाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। हो सकता है कुछ प्रतिशत गवर्नमेंट कम भी कर दे सिलेबस को, पाठ्यक्रम को, लेकिन अभी तक कोई भी दिशा निर्देश जब तक जारी नहीं हो, और दूसरा मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी दिशा निर्देश जारी हो या नहीं हो, लेकिन क्या हम अपने ज्ञान को ही नहीं बढ़ा सकते क्या? हम अपने ज्ञान में वृद्धि नहीं कर सकते क्या? क्योंकि सीखना किस लिए होता है? सीखना केवल अंक प्राप्त करने के लिए नहीं है, सीखना अपने ज्ञान में वृद्धि करना, अपनी समझ में वृद्धि करना इसलिए भी होता है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन इतना ही है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, किसी भी विषय की वीडियो को आप पूरा देखिए। मैं मेरे विषय की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी विषयों की बात कर रहा हूँ। आप वीडियो पूरा देखिए, पूरा देखने पर ही आप लोग उसकी पूरी जानकारी, विषय की पूरी जानकारी कर पाएंगे। पहले मैंने आपको अभिधा शब्द शक्ति के बारे में जानकारी दी थी, आज मैं आपको दूसरी शब्द शक्ति है लक्षणा उसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा। और इनसे पहले भी मैंने आप लोगों को 3 प्रकार के शब्द होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो उन 3 प्रकार के शब्दों के आधार पर भी हम लक्षणा शब्द शक्ति की बात कर सकते हैं। यह कहता है लक्षणा शब्द शक्ति क्या है। अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता था? मुख्य अर्थ क्या होता था? मुख्य अर्थ लिया जाता था शब्द का, जो शब्द है जैसा है वैसा ही शब्द काम में लेना। तब वहां अभिधा शब्द शक्ति होती थी, लेकिन कई बार इस प्रकार के वाक्य आ जाते हैं और उस वाक्यों में उस शब्द का प्रयोग जो सामान्य है वैसा न रहकर थोड़ा सा बदल जाता है। तो जब थोड़ा सा अर्थ बदल जाता है तो वह जो दूसरा रूप उसका निकलता है, दूसरा अर्थ जो उसका निकलता है शब्द का, वही लक्षणा की तरफ लेकर जाता है। किस प्रकार से लेकर जाता है? तो मान लीजिए लिखा हुआ है बालक शेर है, ऐसा लिखा हुआ है। अब अगर आप सामान्य इसका अर्थ लेते हो तो कभी बालक है वह शेर है, बालक क्या एक शेर हो सकता है क्या? वो जानवर हो सकता है क्या? तब आप कहेंगे नहीं, बालक जानवर तो नहीं हो सकता। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि जो मुख्य अर्थ है, कभी शेर एक जानवर है, ये इसका मुख्य अर्थ है। इस मुख्य अर्थ का जब यहां प्रकटीकरण नहीं होता है, या हम कह सकते हैं कि यह मुख्य अर्थ यहां इस शेर के संबंध में नहीं लिया जाता है, तब आप क्या करते हैं, आप इस शेर शब्द का अन्य अर्थ प्रयोग में लेते हैं। वह जो अन्य अर्थ आप प्रयोग में लेते हैं वही अन्य अर्थ जो निकलता है वही किसको दर्शाता है? लक्षणा को दर्शाता है। अब आप यहां कौन सा शब्द, कौन सा अर्थ इसका काम में लेने वाले हैं, तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि शेर साहसी होता है, शेर नीडर होता है। तो आप शेर डरता नहीं है ना किसी से, तो यहां बालक शेर है तो बालक भी शेर की तरह क्या है? निडर है। शेर की तरह क्या है? निडर है। इस प्रकार का जब अर्थ यहां लिया जाता है
सामान्य अर्थ से हटकर जब कोई अन्य अर्थ लिया जाता है तो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। कई बार आप लोग मुहावरे पढ़ते हैं, मुहावरे जब आप पढ़ते हैं तो मुहावरों में एक चीज लिखी आती है, लिखा हुआ क्या है, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। तो पुलिस को देखकर क्या चोर 9 थे, 2 और बढ़ गए और 11 हो गए, क्या इनको जोड़ा गया था, क्या वो 11 हो गए क्या संख्या में? सामान्य अर्थ तो यही था, 9-2-11 हो गए मतलब 9 और 2 को जोड़कर उनकी संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। क्या यहाँ सामान्य अर्थ लिया गया क्या? तब आप कहेंगे नहीं, यहाँ सामान्य अर्थ नहीं लिया गया है। तो यहाँ आप क्या अर्थ लेते हैं, आप यहाँ अर्थ लेते हैं कि पुलिस को देखकर चोर भाग गया, भागने से संबंधित ये अर्थ लेते हैं। लेकिन लिखा क्या है, 9-2-11 हो गया, मूल में अर्थ क्या निकलता है, भाग गया। तो ऐसी जब स्थिति होती है जहां सामान्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होती है, जब किसी भी शब्द को देखा जाए वाक्य के अंतर्गत, तो वहां हम उसको पढ़ने पर उसका सामान्य अर्थ प्रकट नहीं होता, आप देखते हैं यार यहां कुछ ना कुछ अलग है, कुछ ना कुछ परिवर्तित है, कुछ ना कुछ भिन्न है, तब आप क्या करते हैं, तब आप कहते हैं यार भिन्न क्या है, तो आप दूसरा अर्थ सोचने की कोशिश करते हैं। जब आप दूसरा अर्थ सोचने की कोशिश करते हैं तब आपको लगता है ओहो यहाँ पर तो इसका अर्थ भाग गया, अन्य अर्थ लिया गया। सामान्य अर्थ से हटकर जब अन्य अर्थ लिया जाता है तो वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। एक और बात बताता हूं मैं आपको, अच्छा सा है, अभी वर्तमान में यही चलता है, लिखा हुआ है चांदी का जूता मारो अपना काम बनाओ। क्या वास्तव में किसी को चांदी का जूता मारा जा सकता है क्या? आप कहेंगे नहीं, चांदी का जूता किसके मारेंगे, इतना महंगा है कोई मार सकता है क्या? तो आप चांदी के जूते मारने की बात नहीं कर सकते हो। तो आप कहते हो यार चांदी का जूता मारने का मतलब क्या हो गया, कोई दूसरा अर्थ निकलने की कोशिश हो रही है यहां पर। अब आप सोचते हैं कि भाई पता नहीं है कौन सा अर्थ है, तब यहाँ क्या हो गया कि जब कोई आदमी किसी कार्यालय में जाता है और उसका काम पूरा नहीं हो पाता है, तब वहाँ बैठा एक चतुर श्रेणी कर्मचारी कहता है कि चांदी का जूता मारो साहब, तभी आपका काम होगा, अन्यथा आपका काम नहीं होगा। तब आपके दिमाग में आती है अच्छा चांदी का जूता मारने का अर्थ क्या हो गया, यहाँ रिश्वत देना हो गया। तो यहाँ चांदी का जूता मारना इसका दूसरा अर्थ निकल गया, रिश्वत देना। तब आपका दिमाग दौड़ता है कि यार कोई अन्य अर्थ यहाँ निकल रहा है। तो जब अन्य अर्थ निकलता है तो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। तो आप लोग ऐसे एग्जाम्पल में आपको खूब लिखाऊंगा, लेकिन किसी भी चीज को पढ़ते समय आप लोग बड़ी सहजता से पढ़िए। परिस्थितियाँ बड़ी विकट है, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, और प्रतिकूल परिस्थिति में भी शारदा बाल निकेतन आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रही है, तो आप लोगों को अपने लिए भी बहुत कुछ करना चाहिए, आप लोगों को अध्ययन अच्छा करना चाहिए, और जो चीज़ समझ में नहीं आती है वह कमेंट बॉक्स में भी लिखना चाहिए। परिभाषा है इसकी, जिस वाक्य में शब्द का अर्थ मुख्यार्थ से न लेकर लक्ष्यार्थ से लिया जाता है, वहां
लक्षणा शब्द शक्ति होती है या उस वाक्य में उस शब्द में लक्षणा शब्द शक्ति होती है। मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होना तो मैंने आपको बता दिया, लिखा हुआ है सोहन गधा है, मैंने अब एग्जांपल दिया है आपको सोहन गधा है। अब आप इसका अर्थ क्या लेंगे? आप क्या वास्तव में कहेंगे सोहन एक इंसान है, गधा एक जानवर है, ये दोनों ही इसके मुख्य अर्थ हैं? क्या हैं मुख्य अर्थ? क्या यहाँ पर इन दोनों के ही मुख्य अर्थ लिए जा रहे हैं? तो आप कहेंगे हाँ, यहाँ सोहन इंसान है, इसका तो मुख्य अर्थ इंसान से लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ गधा यानी इसे क्या बनाया गया? जानवर बनाया गया। यहाँ जानवर बनाने की कोई बात हो नहीं रही है। क्या उसके चार पैर आ गए क्या, दो कान आ गए क्या, इस प्रकार की कोई स्थिति पैदा नहीं हुई। तब क्या होगा? मुख्यार्थ में क्या होती है? बाधा उत्पन्न होती है, इसका मुख्य अर्थ नहीं लिया जाता। तब क्या करते हैं कि इसकी स्थिति परिस्थिति कैसी है उसके अनुसार उसका अर्थ लिया जाता है। गधे को क्या मानते हैं सब लोग? मूर्ख मानते हैं। तो यहां सोहन को क्या माना गया है? मूर्ख माना गया है। तो इस प्रकार की जब स्थिति पैदा होती है यानी मुख्य अर्थ में जब बाधा उत्पन्न होती है, तो मुख्य अर्थ में जब बाधा उत्पन्न होती है और उसका अन्य यानी अलग हटकर अर्थ निकाला जाता है तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। अब मान लीजिए लिखा हुआ है सदा चौकन्ना रहना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है, सदा चौकन्ना रहना चाहिए। यहां चौकन्ना का मतलब क्या हो गया? चार कान वाला। चौकन्ना का मतलब चौकन्ना, कान, चार कान वाला। तो क्या कोई इंसान चार कान वाला रह सकता है क्या? यहां चौकन्ना का मतलब चार कान से संबंधित तो नहीं है, यहां सचेत रहने से इसका अर्थ है, सावधान रहने से इसका अर्थ है। तो इस प्रकार की जब स्थितियां पैदा होती है तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। आप इसकी परिभाषा लिखिए और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वे एग्जाम्पल लिखिए। पूर्व में मैंने जो एग्जाम्पल लिखे थे वो भी मैं यहां लिख देता हूं ताकि आप लोगों को बालक शेर है चांदी का जूता मारो व अपना काम बनाओ। इस प्रकार के जब वाक्य लिखे जाते हैं, इस प्रकार की जब बात आती है, एक वाक्य वो लिखा था तीसरा पुलिस को देखकर, पुलिस को देखकर चोर नौ दो ग्यारह हो गया। पुलिस को देखकर चोर नौ दो ग्यारह हो गया। यहां लक्षणा शब्द शक्ति और इसके लिए एक विशेष बात भी मैं, ये एग्जाम्पल आप लोगों को कॉपी में लिखना है, इसके लिए मैं एक विशेष बात भी लिखता हूँ, नोट करके आप लोगों को भी लिखना है। मुहावरे से युक्त वाक्य है लक्षणा शब्द शक्ति में प्रयुक्त होते हैं। आप लोग
इन चीजों को कॉपी में लिखिए। शेष हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।